यहाँ पे अभी परसों एक युवा का मर्डर कर दिया गया शाम को, बड़े दुख की बात यह है कि उसी युवा के छोटे भाई का 6 महीने पहले मर्डर हुआ था, 22 मई को। 22 मई को इनके छोटे भाई का मर्डर किया गया था। जब छोटे भाई का मर्डर किया गया तो इनके परिवार ने लिख के दिया था पुलिस को कि इन लोगों से हमें पूरे परिवार को खतरा है, हमें सुरक्षा दी जाए और हमें इन लोगों से बचाया जाए। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और कल इसके बड़े भाई का भी मर्डर हो गया। ये बेहद दुख की बात है कि ये चल क्या रहा है। यहाँ पे जब मैं अभी इनसे मिलने के लिए गया तो पता चला वहाँ पे कई सारे लोकल लोग मौजूद थे। उन्होंने बताया कि पूरा नारायणा एरिया जानता है, ये 5-7 लड़के हैं जिन लोगों ने पूरे इलाके के अंदर गदर मचा रखा है, सबको परेशान करते हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। एक मर्डर के बाद जब पुलिस को लिख के दिया गया कि भाई आप हमारी रक्षा कीजिए, पुलिस ने क्यों नहीं की? जिस शख्स का मर्डर हुआ कल, उसके परिवार के लोग दुख की वजह से, दहशत की वजह से और प्रोटेस्ट करने के लिए उनकी लाश को लेके बैठे हुए थे, तो पुलिस ने उन पर डंडे बरसाए उनके परिवार के लोगों के ऊपर। ये किस किस्म का प्रशासन है, ये किस किस्म की कानून व्यवस्था है? पूरे दिल्ली के अंदर कल 3 मर्डर हुए हैं अलग अलग और एक अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ है। तो पूरी तरह से दिल्ली के लोग असुरक्षित हो गए हैं। गृह मंत्री और अमित शाह जी और बीजेपी पूरी तरह से, उन्होंने पूरी दिल्ली को गुंडों के हवाले, गैंगस्टर्स के हवाले, बलात्कारियों के हवाले छोड़ दिया है। लोगों की रक्षा करने के लिए कोई नहीं बचा है और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि लोग कहाँ जाएं। हम केवल दिल्ली के लोगों की तरफ से, मैं केवल हाथ जोड़ के बीजेपी वालों से निवेदन करना चाहता हूँ कि दिल्ली वालों ने इस तरह का माहौल कभी नहीं देखा था। जब पूरी चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, जंगल राज है, कोई किसी का भी मर्डर कर सकता है। जब पता था कि जिन लोगों ने छोटे भाई का मर्डर किया है वो बड़े भाई, उनके परिवार के और लोगों का भी मर्डर कर सकते हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? 6 महीने बाद दूसरे भाई का उसी परिवार के अंदर मर्डर हो जाता है, सुन के भी बहुत दुख होता है। तो अमित शाह जी, बीजेपी वाले, कृपया दिल्ली के लोगों को सुरक्षा दीजिए। दिल्ली का बहुत बुरा हाल हो गया है और दिल्ली के लोग बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इनके लिए कुछ कीजिए। कहीं कोई एक्शन नहीं हो रहा है। गैंगस्टर्स के केस में भी जब मैं बिजनेसमैन से मिलने गया, उन लोगों ने बताया कि जो 2-3 लड़के मोटरसाइकिल पे आते हैं और गोली चलाते हैं दुकान के ऊपर, उनको तो अरेस्ट कर लेते हैं, लेकिन उनको जिन्होंने भेजा, जो फिरौती की मांग कर रहे हैं, वो कहीं अरेस्ट नहीं हो रहे। जो एक्चुअल गैंगस्टर्स हैं वो कहीं अरेस्ट नहीं हो रहे। गैंगस्टर्स के नाम सबको पता है, कौन गैंगस्टर्स हैं जो दिल्ली के अंदर, जिन्होंने, वो कहीं अरेस्ट नहीं हो रहे। यहाँ पे जो लोग हैं वो, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही।